दोस्तों कैसे हैं? आज जो शेयर लेके आया हूँ वो एक है मनपसंद, जिसमें हम देखेंगे इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो मैंगो शिप है, और आप देखेंगे तो ये भी है फ्रूट शिप अप है, जीरा शिप है, एप्रिला है, ओ आर एस है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओ आर एल है, सीजनल है, एक्साइट है, ऑक्सिप है। मैं कोई इस कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा था, मैं इस कंपनी के वैल्यू शेयर प्राइस को देख रहा था। तो ये इसके देखेंगे तो जो भी है इसके मेन ब्रांड है मैंगो शिप फ्रूट, तो मैंगो शिप इसका मेन फ्रूट जूस जो है ये इसका मेन ब्रांड है। फ्रूट जूस में इसमें मैंगो मिक्स फ्रूट गुआवा लीची ऑरेंज ये सब देते हैं ये, और फ्रूट में ग्रेप लेमन ऑरेंज। तो मैंगो शिप आप इसका ये मैंगो शिप देख रहे हैं ये, यही इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखेंगे आपको शताब्दी में भी शायद मिलता होगा, बड़ी बड़ी जगह पे भी ये मैंगो शिप को पिया जाता है। तो एज ए बेसिक चीज बताऊं तो बेसिक कंजम्पशन पैटर्न बताऊं तो अच्छा है। अब हुआ क्या, इस शेयर को लाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि ये शेयर जो है 498.90 का हाई, मतलब 500 का हाई बना करके 78 का लो बनाए हैं, और अभी इसमें कुछ प्लस माइनस वॉल्यूम चल रहा है और अच्छे खासे ट्रेड 3 लाख 4 लाख की वॉल्यूम चल रही है, और डिलीवरी देखें तो 32-33% की कंटिन्यू हो रही है, 38% 38% 42%। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बाइंग पैटर्न डिलीवरी बेस में, मैं आपको जब भी बताऊं कि अगर 35-30 अबव रहता है तो अच्छा होता है, तो ये एक बाइंग पैटर्न चल रहा है 35, तो ये मिस ना हो जाए गाड़ी। हाँ, ये अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1-2 दिन के लिए 10 दिन के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई न्यू व्यूअर है जो सिर्फ सुन के निकलना चाहते हैं तो उनके लिए है कि ये मनपसंद ब्रोकरेज लिमिटेड है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज में आप देखेंगे तो आप इसका 10 का PE है, 47 का इंडस्ट्री PE है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1 रुपये से भी कम का मिल रहा है, 108 का है तो 1 रुपये से भी कम का मिल रहा है। और एक चीज़ आपको खाली बता दूँ, जो तुरंत निकलना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ शुक्रिया। आप देखेंगे तो ये शेयर होल्डर खुद ही 44 पॉइंट बढ़ा है, 17 से 28 किया इन्होंने सेप्टेम्बर में जो इन्होंने बाई किया। आप देखेंगे तो यहाँ जून में भी बाई किया और सेप्टेम्बर में बाई का है, और ये मोतीलाल ओसवाल SBI मोतीलाल SBI ये फंड लोग इन लोग को लेके बैठे हुए हैं। तो ये मैंने इसमें बाय रिकमेंडेशन है, 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 328-330 तक देखने को मिल सकता है। जो सिंपल एक था व्यू था ये था। अब इस डिटेल में अगर किसी को जानना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आप देखें रिसेंटली तो ये क्या हुआ कि ये अपने 93 प्रीवियस क्लोज को से ओपन हुआ, ऊपर गया, और आपने 95-98 का हाई लगाया इसने। 102 पे इसका बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 102 करेगा तो ये 128 की ओर चला जाएगा, और 128 करेगा तो 177 की ओर चला जाएगा। तो 102 128 177 इसका बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई शॉर्ट टर्म तो लेना नहीं है इसको। आप इसका 100 से 50 शेयर भी करते हैं तो आपको 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर ये तीन साल में 328 रुपये 300 वापस, ये अगर इसका 5500 का तो 250 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, 50% भी मानो तो वो आपको 2-2.5 साल में आपको मिल ही जाएगा। तो वहाँ तक भी जाता है तो अगर आप 95 100 पे लेते हैं 250 होता है तो 100% रिटर्न 2-2.5 साल में, ऐसा रिटर्न कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बाइंग सिग्नल है, और अभी रिसेंटली ये 30 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया है। चार्ट पे अच्छे पैटर्न बने हैं इसके, बाइंग सिग्नल भी ये चार्ट पे है अभी बना है, लेकिन मैं इसको और डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप इसमें देखेंगे हुआ क्या था, ये गिरा क्यों था। एक्चुअली क्या हुआ कि डेलॉयट ने इसके जून के क्वार्टर के जो थे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून के, वो साइन करने से जुलाई में मना कर दिया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। ग्राउंड उन्होंने दिया कि फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है वो उनको उनके अनुसार नहीं हो रहा है, जो भी ग्राउंड दिया इंटरनल है, तो वो अभी तक डिस्क्लोज मार्केट में हुआ नहीं, और वो एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को वहाँ से मिली। आखिर में क्यूरी क्या थी जो मार्केट में लोगों ने उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया, हुआ क्या था? आप इनफैक्ट उस क्वार्टर के जो आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो अच्छा खासा उसमें से कोई बहुत ख़राब तो नहीं दिखाया उसने, तो उसने 334 करोड़ का इनकम, 384 का सेम बैलेंस शीट वगैरह इनकम सब दिखाया। आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी 56 करोड़ का दिखाया, सब चीज़ दिखाया उस क्वार्टर के, हिट कुछ नहीं किया और अच्छे खासे इसको प्रॉफिट पे ही क्लोजिंग दिया। बाद में जब नए कोई ऑडिटर आए उन्होंने उसको सर्टिफाई किया, डिलाइट तो चला गया, और उसके बाद उसके नए ऑडिटर ने इसको सर्टिफाई किया जुलाई में, उसमें कोई इशू भी नहीं आया। तो आप देखेंगे हुआ उसके बाद क्या हुआ, अभी जस्ट इनका इनका क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर में आया है, तो अब यहाँ पे दिखता है
कि शायद जून में फाइनेंशियल बैलेंस शीट के थोड़े मोड़े मैनिपुलेशन के चक्कर में, ताकि ये अच्छे खासे प्राइस वॉल्यूम पे था, 500 रुपये के प्राइस वॉल्यूम में खेल रहा था, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फॉल किया, यहाँ से फॉल करना चाहा, जो कि 14 मई 2018 को था, और जब न्यूज आया और सीधा ये गिर के यहाँ पे आया था, आप देखेंगे तो यहाँ आ गया था 28 मई को, तो मई में इसमें भूचाल आया था। और आप ये देखेंगे तो आपको जून में तो यहाँ तक पहुँचा दिया था। तो ये न्यूज जब यहाँ पे चली और यहाँ तक आई, तो मई 28 में माने मई क्लोजिंग और जून में तो इसमें भूचाल आ गया और अच्छी खासी गिरावट देखने, क्योंकि मई में ही ये प्रॉब्लम चालू हो गया था। हुआ क्या था कि अगर ये वैल्यूएशन तो अच्छे खासे 400-500 रुपये पहुँच चुके थे और ये एक्सपेंशन कर रहे थे, मुझे जो समझ में आता है, तो उसके फाइनेंशियल को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने की इनकी प्लानिंग होगी, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मुझे समझ में आता है, ज़्यादा तो है नहीं समझ, फिर भी जो समझ में आता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए 71 का 56, तो शायद उन्होंने कुछ वैसी प्लानिंग की होगी कि इंटैक्ट रखने के लिए, जिसको डिलाइट नहीं माना होगा, हो सकता है उसके एक्सपेंसेस वगैरह ज़्यादा हो, उसको नहीं, डिप्रिसिएशन वगैरह ज़्यादा हो, उसको नहीं दिखाने के लिए थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है करने को। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट क्या हुआ, बट सितंबर का जब डाटा आया तो इससे एक डाउट तो जरूर उठा कि हुआ क्या। आप जब ये मार्च क्वार्टरली आपका जब यहाँ पे मार्च में 384 करोड़ का सेल था, वहाँ से जून में आपका 334 करोड़ का सेल रहा, चलो थोड़ा घटा, सीधा यहाँ से आपका 174 करोड़ का सेल क्यों हुआ, यहाँ पे सेल गिरा क्यों? अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सेल तो नहीं गिरना चाहिए था। तो क्या हुआ सेल गिरा? अब हो सकता है वो न्यूज़ के चक्कर में जो उस समय मार्केट खराब हुआ तो लोग भी दूर गए, बिजनेस भी खराब हुआ, हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो, चलो कोई बात नहीं। इस सेल का इम्पैक्ट तो हम समझ गए कि जो मार्केट डेलॉइट ने खराब किया होगा उसके चक्कर में सेल गया। अब ये बताइए कि डिप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे थे, 28 क्वार्टरली डिप्रिसिएशन आपका जो 28 करोड़ का था वो 21 करोड़ कैसे हो गया? आपने एसेट तो कोई बेचा नहीं होगा, एसेट बेचा होगा तो ये डिक्रीज होगा, तो उसका कैपिटल लॉस भी होना चाहिए, वो कैपिटल लॉस आपने कहीं दिखाया नहीं, शायद यहाँ पे मेरे अंदाज से कहीं दिखाया नहीं, कैपिटल लॉस कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। तो जो मेरे को समझ में आया कि कैपिटल लॉस अगर होगा तो उनको बताना चाहिए था, तो यहाँ कहीं पे भी ऐसा 7 करोड़ का कैपिटल लॉस तो कहीं दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे को 7 करोड़ का कहीं कैपिटल लॉस दिख नहीं रहा, कैपिटल लॉस नहीं हुआ होगा, गेन हुआ होगा तो कैपिटल गेन भी नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या हुआ, चलो हो सकता है कि ये ऐसा तो यहाँ से प्रिमली दिखता है, तो एक काम करते हैं इसके बैलेंस शीट को चेक करते हैं, अगर डिप्रिसिएशन कम किया था तो एसेट बेच दिया होगा तभी हो सकता है, एसेट सोल्ड होगा तो कैपिटल गेन में जाएगा। चलिए एक बार इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, तो बैलेंस शीट को जब जाकर देखते हैं तो आप देखेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे तो एसेट क्या हुआ, पहले एसेट देखें, रिजर्व तो बढ़ा है, गुड, अच्छा काम है, डेप्ट कोई उसका खास नहीं है। आप एक चीज़ और जान लीजिए, मन पसंद का क्यों मैं बाय रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, रिजर्व और इसका डेप्ट देख के, इसकी जो डेप्ट है आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी कर लीजिए, 178 करोड़ की, रिजर्व 1100 करोड़ की है, तो इस हिसाब से ये कंपनी को खराब नहीं है, समझो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। चलिए अब एसेट की बात करते हैं, एसेट जो इनके पास आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका जो ईयरली रिजल्ट है मार्च 17 ईयरली रिजल्ट है, तो मार्च 18 में आपका एसेट बढ़ा है 448 करोड़ से 534 करोड़ हुआ है, और कैपिटल इन वर्क प्रोग्रेस आपका 18 से 180 हुआ है, मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है, तो आपका एसेट तो बढ़ रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है। और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाया गया है, जो सितंबर की क्वार्टरली रिजल्ट है, उसमें शायद ये 180 जो है 15 करोड़ के आसपास बचा है, उसका यहाँ पे डिटेल नहीं है, और डिटेल होता तो मैं आपको दिखा देता, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा एसेट में, जब ये भी एसेट में ऐड होगा तो इसका भी डिप्रिसिएशन आना चाहिए, तो डिप्रिसिएशन मैं बोलता हूँ चलो बढ़ेगा नहीं, किसी कारण से आपने नहीं बढ़ाया जो भी, लेकिन घटेगा भी नहीं, तो ये 7 करोड़ आपने क्या किया, हाइड किया, और आपने जो प्रॉफिट डिस्क्लोज किया वो 7 ही करोड़ का किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जो प्रॉफिट दिखाने के लिए, वैल्यूएशन को बचाने के लिए, आपने कंपनी के शेयर होल्डर को बचाने के लिए या उसके वैल्यूएशन को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, हो सकता है किया होगा, अभी इतना डिटेल आपने और इस पर कोई क्लैरिफिकेशन भी इनका नहीं आया था, तो ये सब को देख करके लगता है कि थोड़ा सा
मैनिपुलेशन के चक्कर में कोई इसका फाइनेंशियल ख़राब तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कंपनी दिखाई दिया ये किस चीज़ की ब्रांडेड कंपनी है। अगर ये खाने पीने की कंपनी है तो वो ख़राब तो होना है नहीं। अब दूसरा बात, अब और एक चीज़ किससे इसमें समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, तो जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो इसलिए मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्यों बढ़ना चालू हुआ, जब मार्च में गिरा तो शेयर होल्डर क्यों बाई चालू कर दिया, वापस देखिए सितंबर में शेयर होल्डर बाई कर रहा है। और इसमें और भी देखें तो जो बड़े बड़े दिग्गज है, मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे SBI मैग्नम हो, SBI लार्ज मिड कैप फंड हो, तो बड़े बड़े मिड कैप और ग्रोथ फंड में इनका, मोतीलाल ओसवाल जी के, तो ये सब अच्छे अच्छे ब्रांड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट है जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर मैं इसके एक बार अगर मॉर्टगेज को चेक कर लूं कि अगर इन्होंने कोई मॉर्टगेज रखा है कि नहीं रखा है, तो इनका कोई भी मॉर्टगेज नहीं है। ये जो हीरो हैं यहाँ के, इस कंपनी के मनपसंद के जो हीरो हैं, धीरेन्द्र हंसराज सिंह, धीरेन्द्र जी हंस जी हैं, और इनकी खुद की होल्डिंग सिर्फ अकेला देख लें तो 44% है जो बाई कर रहे हैं। और मैं इसके एक स्क्रिप्ट को आपको दिखाता हूँ, जो इनके खुद के कमेंट को दिखाता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। एक पुराना वीडियो है जिसमें इन्होंने एक इंटरव्यू हुआ था इनके साथ, वो देखना जरूरी है, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, CNBC पे हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू बताता हूँ जिससे आपको भी समझ में आएगा। धीरेन्द्र सिंह के इंटरव्यू जब आप खुद के ओनर को देखेंगे ना, उसके इंटरव्यू को देखेंगे, तो शायद आपको ज्यादा पॉजिटिवनेस समझ में आ सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है। ऑडिटर ने बिना कोई रीजन दिए कंपनी से रिजाइन भी कर दिया। आई थिंक ये पहला इंस्टेंस है कि कोई ऑडिटर जो 8 साल से कंपनी को ऑडिट कर रहा है, 20 साल के बीच में छोड़ के जा रहा है, और आपको एक दिन में नया ऑडिटर लेना पड़ा था। ये पूरे इंसिडेंट से आपने क्या सीखी है? निमेश जी, एक बहुत ही ये बुरा हादसा था, हम आज की तारीख में इसको यही मान के चले। अब इसका हम लोग एनालिसिस ऑपरेशन करने बैठेंगे तो इसमें से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। अब कितनी चीज़ हमने सीखी इसमें से, आगे क्या करना है, ये जो टाइम गया है इस हादसे के बाद से, लगातार हमने यही प्लानिंग किया है कि भाई हमको अब आगे क्या करना है। तो अब हम भरसक प्रयास करेंगे कि आगे और बेटर कैसे हम परफॉर्म कर सकें, और ऐसा कुछ क्या करें कि ये मार्केट जो है, जो थोड़ा सा हमारा परसेप्शन जो ख़राब हुआ है, दोबारा लौट के आए। ऐसा कोई चीज़ आपने सोचा है जो अभी अभी, जो फ्रेंकली मैं आपको बोलूँ, जो मेरे को फीडबैक मार्केट से या इन्वेस्टरों से मिलता है, एक जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट आज के तारीख में उस कंपनी पे थोड़ा सा कम हो गया है, वो ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा क्लियरली दिख के आ रहा है आपकी कंपनी को लेके, उस ट्रस्ट को आप कैसे रिजॉल्व करने को ट्राई करोगे? नहीं भाई जी, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो जाती तो रातों रात है, बट दोबारा वो थोड़ा टाइम लगता है। अब ऐसा कोई भी मेरे पास वो नहीं है कि मैं बोलूँ कि कल मैं ऐसा कुछ करूँगा कि लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा। और अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता है, जितने आरोप, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया, जिस भी मीडिया में लगे हैं, ये सारे बेसिर पैर के हैं। इसलिए मैं अभी तक कभी आपके चैनल पर भी नहीं आया इस एपिसोड के बाद कि इमीडिएट आके और सफाई देना वो ठीक नहीं है, क्योंकि सारे बेसलेस आरोप थे। अब राइट टाइम है, आप आए और मैं आपको, आप जो पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। डेलॉइट ने आपके जब रिजाइन किया था, तभी आपका ऑडिटर ने कोई रीजन नहीं दिया था वो क्यों रिजाइन कर रहा है। उन्होंने खाली इतना लिखा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांग रहे थे जो आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसके लिए उनको रिजाइन करना पड़ा। ये पहली बार ऐसे इंडिया के हिस्ट्री में हुआ है कि कोई ऑडिटर मिडल ऑफ द ईयर किसी कंपनी को छोड़ के निकला है। आप इस कंपनी को कितना सालों से चला रहे हो, ऑडिटर आपका डेलॉइट 8 साल से रहा है, क्या आप बता सकते हो क्या रियल रीजन था डेलॉइट को मिडल ऑफ द ईयर आपका चौथा क्वार्टर ऑडिट किए बिना बीच में से छोड़ने के लिए? समय की कमी। अगर आप ठीक से उनका रेजिग्नेशन पढ़ेंगे तो पहले उन्होंने दिया है कि हमको एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि हमको नहीं मिला, और लास्ट में लिखा है कि समय कम होने के वजह से हम रिजाइन कर रहे हैं। तो लास्ट उन्होंने अपना, और जो उन्होंने ROC को फाइल किया है उसमें रीजन उन्होंने नील लिखा है। अगर कुछ भी उनको ऐसा लगा होता तो वो
अपना रीजन जरूर लिखते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि समय का रहा होगा, क्योंकि उनके भी हमेशा नए नए डेवलपमेंट, नया नया सब आता जाता है उनके भी सिस्टम में। हम भी ट्राई करते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मेकअप कर पाए उनके उसको। अब इस बार ऐसा क्या हो गया मेरे भी समझ में आज तक नहीं आया कि इतने सालों का संबंध, जिस कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी, उनके गाइडेंस पे हम इतने दूर तक आए, उनके सपोर्ट से हम इतनी दूर तक आए, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो हमको छोड़ के चले गए। नहीं, कहीं लगता है कि हो सकता है कहीं कुछ दूसरा भी वजह रहा हो। आपने पूरे एपिसोड में एक बार भी डेलॉइट के लिए कोई नेगेटिव चीज बात नहीं की है, ना ही कि डेलॉइट ने आपके लिए कुछ नेगेटिव बोला है, बट मार्केट का परसेप्शन बहुत ही नेगेटिव रहा है आपके स्टॉक को लेके, आपके कंपनी को लेके, जब से डेलॉइट ने रिजर्वेशन किया है। आप बोल रहे हो कि एक रीजन हो सकता है कि उनके लिए टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेन था, और कोई रीजन नहीं था उनके लिए छोड़ने का, खाली इन्वेस्टर का फेथ वापस लाने के लिए कोई स्कोप है आप रिकंसाइल करके डेलॉइट को एज ऑडिटर वापस लाओ मनपसंद में? एकदम संभव है, ऐसा कोई भी वो नहीं है। हमने पिछले बार भी एक इंटरव्यू में किसी को बोला है कि भाई ये चीज जो है कोई असंभव नहीं है, जो भी कंपनी के हित के लिए होगा, हमारे जो शेयर होल्डर है उनके हित में जो भी कदम उठाना होगा वो हम उसको उठाएंगे। अभी हमारा AGM आ रहा है, हमारी जो पेड कमेटी जो है, ऑडिट कमेटी जो है, वो जिस तरह की प्लानिंग करेगी उसके हिसाब से आगे हम फैसला करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो टफ क्वेश्चंस पूछता हूँ। एक जो फीडबैक मुझे मिला है इन्वेस्टरों से, या जितने जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उसमें एक फीडबैक ये भी था कि आप खुद उस ऑडिट कमेटी में एज अ मेंबर हो। क्या आप इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए, या इंडिपेंडेंट वो बॉडी चलता रहे उसके लिए, क्या आप बाहर निकल के आप शायद एक फॉरेंसिक ऑडिट का, अगर आप किसी को आपका फीडबैक मिलता है, क्या आप उस आइडिया के लिए ओपन हो आपका एक फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, ताकि जो नंबर्स आप डिलीवर कर रहे हो, जो आपका बैलेंस शीट है या जो आपके नंबर्स है वो सही है, वो सब इन्वेस्टर्स को एक साथ मिल जाए? आर यू ओपन टू दिस आइडिया? देखो, मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ, मेरा किसी चीज़ के लिए वो नहीं है। बट जो भी प्रोसेस है, जो भी कंपनी को चलाने का प्रोसेस है, उसी के थ्रू कोई चीज़ डिसाइड होगा। मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल दूँ कि मैं ये करने वाला हूँ वो भी ठीक नहीं है। अभी हमारा अगले महीने AGM आने वाला है, उसमें हम शेयर होल्डर से इसी हिसाब से टॉप 15 उस पर आते हैं, और काफ़ी बड़ा इनका नेटवर्क है, और करीब 200-250 चार्टर अकाउंटेंट इनके पास हैं, और पूरे इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं। और वो जो टाइम था, उस टाइम में हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी ऑडिटर हो बड़ौदा का नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज कि ऐसे टाइम में कोई ऑडिटर तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडिट फर्म दुनिया की और वो कहीं से छोड़ के जा रही है, तो दूसरी सुपारी मैं कैसे लूंगा। तो फिर हमने एक दो लोगों से और बात किया, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी थी जिसको हमको फुलफिल करना था, और फिर हम इनसे अप्रोच किए, इनको बताया, इन्होंने भी बोला कि मुझे आप 1 घंटा टाइम दीजिए, और इन्होंने उस 1 घंटे में मेरे बारे में इंक्वायरी किया मार्केट से, क्योंकि ये सवाल मैंने उनसे 30 दिन बाद पूछा था कि आप ऐसे टाइम में कैसे तैयार हो गए। बोला भाई साहब, मैंने आपसे टाइम लिया था, उतने में हमने आपके बारे में इंक्वायरी की, और मुझे लगा कि इसमें कहीं आप फंस गए हो, इसलिए हम लोग इस पर एग्री किए। बाकी हम भी जानते हैं कि कितना बड़ा रिस्क था हमारे ऊपर, और बहुत ठीक ढंग से उन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया। डेलॉइट ने जो रीजन दिया था रेजिग्नेशन का, उसमें एक चीज उन्होंने लिखा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे टाइम पे नहीं मिली थी। क्या वही सेम इन्फॉर्मेशन नए ऑडिटर ने भी मांगी थी और आपने प्रोवाइड की थी? ऐसा क्या था जो डेलॉइट को आप नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, उसने आपको, आप नए ऑडिटर को प्रोवाइड कर पाए? सही बताऊं निमेश जी, तो नए ऑडिटर ने 5 गुना ज्यादा सैंपल टेस्ट किए। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जिस दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिस दिन हमारा बोर्ड मीटिंग था, हमारे जो बड़े इन्वेस्टर से पार्टनर, वो भी हमारे बोर्ड पे हैं, वो भी आए थे, और उनके साथ उनके CFO भी आए थे उनके कंपनी के, जो स्पेशल इन्वाइटी थे उसमें।
मैं बहुत ज्यादा अकाउंट फाइनेंस चीज को नहीं समझता हूँ, तो मुझे मालूम था कि इनके दिमाग में भी एक शक होगा कि अरे ऑडिटर कहीं मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं मेरा परिचित तो नहीं, कहीं मेरा दोस्त तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई एक रूम में आप सब खत्म हो जाओ तो आप बैठ जाना और जितने सवाल जवाब होगा आप इनसे पूछ लेना। तो मैं इसी रूम में उन तीनों लोगों को बिठा के बाहर चला गया था। आधे घंटे बाद आया मैं तो मिस्टर सूद जो है उन्होंने बोला कि धीरू भाई इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ऑडिट किया है और हम लोग पूरा संतुष्ट हैं और यही सब उनके जो CFO थे उन्होंने भी। सो अभी ये जो पूरा आपने जो लास्ट दो महीने का जो पेन देखा है, जो आपने क्राइसिस देखी है, आप जो बोल रहे हो कि आपको अभी सिस्टम और स्ट्रेंथन करना है, क्या कहीं आपको लगता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम भी स्ट्रेंथ करनी जरूरी है? सर आप जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो उसके लिए आपको कैपेक्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा रेस करना पड़ेगा। आपने जैसे बताया कि आपने QIP में लास्ट QIP में पैसा रेस करके 4 प्लान का एक्सपेंशन किया है। अब जो एक डेफिसिट क्राइसिस है, आपको जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एटलीस्ट फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग थोड़ा सा आपको अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे, नंबर्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे माहौल में अगर आपको एक्सपेंशन करना है आपको पैसा फंडरेजिंग कैसे होगा? देखिए अभी मेरे पास डेट नहीं है और ये मार्केट भी धीरे धीरे ट्रस्ट करेगा और अभी मेरे पास भी पैसा है, तो कुछ डेट से, कुछ अपने पास से, कुछ जो मेरी प्रॉफिट अभी अगले साल आएगी, मेरा जो एक्सपेंशन प्लान है मेरा चालू रहेगा। और भी हम तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा फर्दर जो एक्सपेंशन है वो रुके नहीं। तो ऐसा नहीं कि रास्ते ब्लॉक हो गए। अब जो ये जो लास्ट दो महीने में जो जो मार्केट में फॉल आया है स्टॉक प्राइस में, या जो जो हिसाब से काफी सारे बड़े निवेशकों ने स्टेक अपना बेचा है, एक दो नाम तो ऑब्वियसली दिख के आ रहा है कि नमूरा जैसे एक फंड है जिसने बीच में ब्लॉक डील में बेचा, काफी और दो चार बड़े इन्वेस्टरों ने बेचा है, एज अ प्रमोटर क्या आपने कोई भी स्टेक बढ़ाया है आपकी कंपनी में एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि नहीं सब 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 कुछ सही है, मैं खुद अपना स्टेक बढ़ा रहा हूँ इस लेवल? जी मैंने भी थोड़ा प्रयास किया बढ़ाने का और दूसरा कोई बड़े हमारे किसी ने बेचा नहीं। नमूरा ऑलरेडी उनका 3-4 महीने पहले का स्टेटमेंट कहीं पढ़ा था मैंने, तो लोग इंडिया से काफी अपना, उन्होंने काफी कंपनी में अपना स्टॉक जो है अभी ये किया है, तो स्पेसिफिक खाली इसी वजह से उन्होंने बेचा है ऐसा नहीं है। बाकी सारे लोग हमारे साथ में जितने हमारे बड़े इन्वेस्टर हैं। नहीं वो तो मेरे को भी जो फीडबैक है कि काफी सारे जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहे जैसे सैफ पार्टनर है, मोतीलाल जी है, प्रूफ के पास बड़ा स्टेक है, SBI के पास है, सब लोगों ने मोरलेस अभी तक कोई स्टेक बेचा नहीं है, तो आई थिंक दे आर स्टिल ट्रस्टिंग। बट जो नया इन्वेस्टर आएगा जो आपको नया QIP में पैसा देगा उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। अभी मुझे नया QIP करने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में। अभी आपने एक्सपेंशन के बारे में बोल दिया, आपने बाकी सब चीज के लिए बोल दिया, प्रोडक्ट के लिए बोल दिया, अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, अगर मार्च एंड के जो फाइनेंशियल नंबर्स आपके आए हैं, कुछ नंबर्स थोड़े से डिस्टर्ब लगे कि थोड़ा सा वीक दिख रहे थे, जैसे आपके रिसीवेबल्स काफी बढ़ चुके हैं, अगर आपके बोरिंग देखो तो बोरिंग शुगर नहीं है, उसको धीरे धीरे हम लोग और ये डेवलप कर रहे हैं, उसको इंडिया के बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत से प्रोडक्ट लाइन कुछ इसके वजह से रुक गई, थोड़ा डिले हो गया और कुछ सीजन के हिसाब से थोड़ा डिले चल रहे हैं अभी हम लोग। हाँ जी, तो आपने जो जो अथॉरिटी से मेरे को बोला है कि आपका टर्नओवर डबल होगा, आपका बॉटम लाइन डबल होगा बिकॉज एक्सपेंशन होने वाले, एक लाइन में अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक तसल्ली देनी है कि एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नंबर्स आएंगे, नंबर्स डिलीवर होंगे, सेल्स हो रहा है, सब सेल पॉइंट साथ में है, एक लाइन में अगर आपको किसी को थोड़ा सा एश्योरेंस देना है, वो एक लाइन आपकी तरफ से क्या होगा आपके इन्वेस्टर्स के लिए? जो है सब ठीक है और जो नंबर पहले था वही नंबर को इस ऑडिटर ने भी ये किया है, अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ तो फर्क आता, जो हमारे नए ऑडिटर हैं ये कुछ तो कुछ चेंज करते, तो कहीं से कोई भी चेंज हमारे किसी चीज में नहीं आया है और किसी ने हमारे बारे में गलत नहीं बोला, बस सबको एक लगता है कुछ है। वो क्यों लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उंगली खड़ी कर दी है, तो एक बार शक किसी के दिमाग में आप डाल दो तो शक की जो दवाई है वो हकीम सुलेमान के पास भी नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि जो कुछ है सब ठीक है और आगे और ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जो मैं आज नहीं बोल सकता हूं कि मैं क्या। तो ये प्रवचन तो आपने सुनी लिया, चलो कोई बात नहीं,
अभी मैं आपको एक चार्ट पे सिग्नल बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे स्टॉकिस जो बता रहा है आपको, यहाँ पे देखिए स्टॉकिस जो बता रहा है आपको बाइंग सिग्नल बता रहा है। आप एमएसडी देखेंगे, एमएसडी में देखिए क्रॉस ओवर करके बाइंग सिग्नल बता रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म क्या चल रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और 79 का स्टॉप लॉस लगा करके, अगर आप 79 का स्टॉप लॉस रखिए, एक बार 79 के स्टॉप लॉस से रख करके आप 128 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है। और अगर आप अच्छे से अगर पोजीशन इसमें बना कर रख सकते हैं तो 102 पे देखिए थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस है, पर 102 निकल जाएगा तो 127 आ जाएगा, जो मुझे मालूम है कि 102 निकल सकता है लास्ट क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर का भी फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा है तो 102 निकल जाएगा और 128 भी निकल जाएगा और वहां से 177 तक जाने का चांस है। तो 102, 128, 177 ये तीन इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये निकलता है तो देखिए वापस मैंने इस पे एक चार्ट बना के रखा है जहाँ पे गैप अप इसने दिया हुआ था, मैं इसलिए इसको यहाँ पे ये बना के रखा था। यहाँ से ये गैप अप दिया है तो 345 का टारगेट इसको अचीव करते देने लगेगा और यही एक क्रूशियल लेवल, और इसको जंप करता है तो वापस अपने जितने भी हाई को है तो क्रॉस कर लेगा। तो जो मुझे लगता है इसके लिए जो सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल है वो 177 का है। 177 अचीव होते ही आपको 237 मिल जाएगा और फिर 285, फिर 336। चलिए इतना नहीं, पहले उसको 177 क्रॉस करने दीजिए। और 177 कैसे क्रॉस करेगा ये, पहले 102 क्रॉस करेगा, फिर 128 क्रॉस करेगा और फिर 177 क्रॉस करेगा और वहां से फिर आपको 237 जाएगा। 177 के बाद फास्ट भागेगा ये, 237 और 285 आते इसको समय नहीं लगेगा। तो आपके पास है कि अगर आपको 285 तक पहुँचना है और लगता है 2-2.5 साल का आप रख सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको खेलना है, आपको बता दिया 102, 128, 177 उल्टा चलते हैं तो 177, 128, 102 आप ऊपर नीचे करना है तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो ऐसे इन्वेस्टमेंट में मेरे अंदाज से उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। आप इसको लेके बैठना चाहिए, आपको ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बंद नहीं होने वाली है और अच्छी कंपनी है, तो ऐसे में आपको इस कंपनी पे थोड़ा बिलीव दिखाना पड़ेगा और बाय करना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा मेरा अपना है, अगर पेनी स्टॉक समझ के भी बाय करते हो तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट करके देखिए, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। फिर भी आप अगर ऐसे डायरेक्ट ट्रेडिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। एक बार वापस मैं आपको इसके दिखाऊं तो इसकी बुक वैल्यू है 108 का और आपको सिर्फ प्राइस मिल रहा है 95 पे, सिर्फ 88 पैसे बुक वैल्यू पे आपको मिल रहा है, तो इससे सस्ता। और ये भी जिस पे कि देखते हैं सनी देओल जैसे लोग बैठे हुए हैं, इतने खाने पीने की वैरायटी और जिसका एक्सपेंशन ये खूब अच्छी तरह से कर रहा है। अब ये चार चार फैक्ट्री एक साथ लगाने का जो उसमें जो उन्होंने बोला है कि चार चार फैक्ट्री एक साथ लगाएंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से आपको दे सकता है। और एक ये मल्टी बैगर बन के दिख सकता है आपको, जैसे आपको मैंने बताया 277, 382 इसके लिए बहुत ईजी है, आराम से अचीव करेगा ये। तो आपको जैसा रेसिस्टेंस, फिर से एक बार आपको इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल बता देता हूँ, 102, 128, 177, 237, 285 ऐसे करके क्रॉस करेगा। तो आपको अगर 285 के लिए या 333 के लिए अगर वेट करना है तो आप इसको लेके पोजीशन पे बैठ सकते हैं। सिर्फ 5,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 शेयर आपके हाथ में रहेगा, तो आप इसको SIP के थ्रू भी चाहें तो आप ले सकते हैं। हर महीने 5,000 कीजिए और फिर उसके बाद देखिए आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सके यही शेयर आपको मल्टीप्लायर के रूप में जब निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा गेन देगा। तो अगर आपको ये नीचे जाता है तो आपको बाय करना चाहिए। 79 पे एक बार स्टॉप लॉस है इसको लेकर के चले, 79 तोड़ता है तो एक बार फिर से एक नए बॉटम को फॉल करने का दामा रखता है और नए बॉटम को फॉल करेगा तो कहां तक जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को फिर हो सकता है। तो 79 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग पोजीशन पे बना सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ ये सारे एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है, सलाह करना है, फिर बाय करना है, ऐसे डायरेक्ट बाय नहीं करें। आप मार्केट में खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसके कंपनी को विजिट कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जितना डाटा से समझ में आता है और जो मेरे को समझ में है, अगर एक ब्रांडेड आदमी अगर इसका ब्रांड कर रहा है और अगर आपको शताब्दी में ये मैंगो सिप मिल रहा है तो मेरे अंदाज से प्लस है। अब ज़्यादा इंक्वायरी और डिटेल के लिए आपके पास आपको खुद करनी पड़ेगी। तो चलिए वापस एक मल्टीबैगर के साथ बंद करते हैं। ये है मनपसंद बेवरेज लिमिटेड, ये मल्टीबैगर है। आप इसको 333, 335 के टारगेट के लिए, 2.5 साल के टारगेट के लिए आप इसको चाहें तो अपनी पोजिशन में होल्ड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।